हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नए मजेदार चुटकुले के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं चुटकुले। एक लेडी इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यूअर, क्या करती हैं आप? लेडी, मैं पायलट हूँ। इंटरव्यूअर, बड़े आदत के साथ, क्या उड़ाती हैं आप? लड़की, पति के पैसे। गेस्ट आया, मम्मी ने पूछा आप कुर्सी पर बैठेंगे या नीचे चटाई पर? गेस्ट, कुर्सी पर। मम्मी, टूटी कुर्सी लेकर आओ। गेस्ट, नहीं नहीं ठीक है, मैं चटाई पर बैठ जाता हूँ। मम्मी, फटी चटाई लेकर आओ। गेस्ट, रहने दीजिए, मैं जमीन पर ही बैठ जाता हूँ। गेस्ट जमीन पर बैठ गया। मम्मी, आप चाय पियेंगे या दूध? गेस्ट, चाय। मम्मी, सड़ी चाय लेकर आओ। गेस्ट, नहीं नहीं चाय रहने दो और दूध ले आओ। मम्मी, मरी मरी गाय का दूध लेके आओ। गेस्ट बेचारा कंफ्यूज होकर घर से ही भाग गया। लड़कियां अपने अपने आशिक की तारीफ कर रही थी। पहली, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है। दूसरा, वाओ मेरा बॉयफ्रेंड का तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पहली, अच्छा वो इतना बहादुर है। दूसरी, अरे नहीं वो गंजा है। सास, कितनी बार कहा है बाहर जाया करो तो बिंदी लगा के जाओ। आधुनिक बहू, पर जींस पर बिंदी कौन लगाता है? सास, तो मैंने कब कहा जींस पर लगानी है, माथे पर लगा चुड़ैल माथे पे। संता, यार शादी के जोड़े कौन बनाता है? बनता भगवान बनाता है। संता, ओ तेरी, मैं तो दर्जी को दे आया। संता, तूने आईफोन 7 लिया क्या? बनता, नहीं, जिससे बात करनी होती है ऑटो लेकर उसके घर चला जाता हूँ, सस्ता पड़ता है। किसी की बीड़ी का बंडल गिर गया है, इस मैसेज को इतना शेयर करो कि उसके मालिक तक पहुँच जाए। नो 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 नो। बुढ़ापे में इसको होना कोई अचरज की बात नहीं। गेंद जब पुरानी हो जाती है तब रिवर्स स्विंग लेना शुरू कर देती है जनाब। नो नो। पति, आज बाहर खाना खाएंगे। पत्नी, खुशी से, ठीक है मैं 2 मिनट में रेडी होती हूँ। पति, ठीक है मैं बाहर चटाई बिछाता हूँ। पता नहीं क्या होगा इस देश का। भगत सिंह भी चले गए, अब्दुल कलाम भी नहीं रहे, और आजकल मेरी तबीयत सही नहीं रहती है। सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने बस प्लास्टिक की पन्नी पर ही बैन लगाया है। अगर कांच की बोतल पर बैन लगाया होता तो साली दारू लेने के लिए भी घर से लोटा लेके जाना पड़ता। एक बार यूपी के रहने वाले एक बाप ने जेल में बंद अपने बेटा को पत्र लिखा। बेटा, मुझे खेतों में आलू बोना है, लेकिन मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए खेती में खुदाई नहीं कर पा रहा हूँ। काश कि तू यहाँ होता तो हम मिलकर आलू बो देते। अब मुझे कल ही पूरा खेत खोदना पड़ेगा। बेटा ने वापस पत्र लिखा, बापू तू पागल हो गया है के? तू खेत मत खोदना, वहां मैंने हथियार छुपा रखे हैं। अगर तूने खेत खोद दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेटर भेजते ही दूसरे दिन कई पुलिस वाले उस किसान के खेत पर गए और हथियार ढूंढने के लिए पूरा खेत खोद डाला, लेकिन वहां उन्हें एक भी हथियार नहीं मिली। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू अब तू खेत में आलू बो देना, मैं जेल से तेरी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। भाई, यूपी का हूँ, सेवा बाप का नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। संता, कल मैंने रॉकेट छोड़ा जो सूरज से जा टकराया। बनता, फिर क्या हुआ? संता, मेरी बहुत पिटाई हुई। बनता, वो कैसे? संता, सूरज की मम्मी ने मुझे पीटा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।